देश भर में धर्मांतरित हो चुके जनजातीय समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त करने की मांग उठने लगी है। जनजाति सुरक्षा मंच जिला खरगोन द्वारा जिला मुख्यालय पर विशाल डिलिस्टिंग महासभा एवं महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण को आदिवासी समाज की परंपराओं को खत्म करने वाला बताया है। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। खरगोन जिले में अपना मूल धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में गए आदिवासी वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित करने की मांग की गई, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर महासभा एवं महारैली का आयोजन किया गया, जिसके लिए करीब एक माह से आदिवासी अंचलों में बैठक लेकर तैयारियां की जा रही थी। बिस्टान रोड स्थित अनाज मंडी में हुई आम सभा में मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतेंद्र सिंह और जिला संयोजक चंद्र सिंह वासखले ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे लोग ईसाई व मुस्लिम धर्म अपनाकर भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनका आरक्षण संविधान के अनुसार ही निरस्त होने का प्रावधान है, जिसको लेकर वे अभियान चला रहे हैं। डिलिस्टिंग में हमारा ये कहना है कि जो धर्मांतर होकर के ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, जो हमारे जनजातीय आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको इस सूची से हटाना चाहिए, यही मेरा मांग है। किस प्रकार से मांग कर रहे हैं अभी तो केंद्र में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर आपकी सरकार किसी का भी हो, हम सरकार से मांग करते हैं। सांसदों ने पहले एक बार लिखा भी था कि इसको जो है इसको शामिल किया। हाँ, बहुत से सांसदों ने हमको समर्थन दिया है और आश्वासन दिया है कि इसको हम प्रधानमंत्री को इस समाचार को बताएंगे, हम लोग आग्रह करेंगे। कितने जिलों के लोग शामिल हुए आज, कितनी जगह के लोग शामिल हुए हैं आज? पूरे इस खरगोन जिला के लोग तो पहुँचे, पूरे संपूर्ण जिला से। जनजाति समाज के अंदर कई लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया है, तो हमारा उनसे कहना है कि अगर आपने धर्मांतरण कर लिया है तो ST के आरक्षण का लाभ आप क्यों ले रहे हैं? या तो आप वापस हमारे मूल जाति में आ जाए, या तो फिर अपना आरक्षण का लाभ लेना बंद करें। इस विषय को लेकर हमने ये डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनको डिलिस्ट करें। उसके पूर्व अभी भी समय है, हमारे जनजाति बंधु जो किसी स्वार्थ में लालच में आकर अपना धर्मांतरण कर लिया तो वो घर वापसी कर ले, या तो बहुत जल्दी ही सरकार धारा 345 में संशोधन करके और डिलिस्ट करने का अभियान चलाने वाली। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, मैं समाज की तरफ से, मैं आदिवासी समाज से हूँ, जनजातीय समाज से हूँ, और मेरा जनजातीय समाज आज मैदान में उतर कर जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो धर्मांतरित हो गए हैं, उनको जनजातीय समाज के जो मिलने वाले लाभ है उसको डिलिस्टिंग करने की मांग की जा रही है। और मैं आज पूरे समाज के साथ मिलकर खरगोन जिले के इस मुख्यालय वाली रैली में उपस्थित हुआ हूँ। समाज के द्वारा जो मांग की जा रही है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। देखिए, जब हमारे पार्टी और हम सब सांसद, जनजाति सांसद, इस पूरे विषय को संसद में रखेंगे, उचित अवसर आने पर इसको आर्टिकल 342 में शामिल भी कराएंगे। डिलिस्टिंग महासभा को न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके, रूप सिंह बाबा, उर्मिला मंडलोई, बापू सिंह परिहार ने संबोधित किया। इस दौरान राम सिंह गिरवाल, ईश्वर सिंह परिहार, मांगनिया किराड़े, टोपलीबाई सिसोदिया मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन मंच के जिला संयोजक चंद्र सिंह वासकले ने किया। इस दौरान खरगोन शहर के प्रमुख मार्गों से निकली महारैली में करीब 10,000 से अधिक जनजाति बंधु शामिल हुए, जहां रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।